बोले बस्ती नगर की गो माता की सशंकर महापुरुषों की। सजनों ससन का एक पद विषय मुझे दिया गया है, लेकिन महापुरुषों ने कहा है तुच्छ समय लूंगा आपका, पता है कि समय बड़ा अनमोल होता है। सजनों जीवन में हमारे पास सभी है, जीवन में हमारे पास सभी सुविधाएं उपलब्ध है। किस प्रकार टी सेट है, फूड सेट है, बिस्तर सेट है, टीवी सेट है, डायमंड सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन सजनों माइंड सेट नहीं है तो सभी अपसेट है। माइंड को सेट केवल सत्संग ही कर सकती है, माइंड को सेट केवल सत्संग कर सकती है, अन्य किसी पावर है ही नहीं। सत्संग वो तथ्य है जीवन के अंदर, विचार विचार का निर्णय होने के बाद सत्य क्या असत्य क्या, महापुरुष ने विचार सागर बोलता है अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक के सब साधन का मूल। उसको जानी समता का बात है जब विवेक जगता है, माइंड सेट होता है तब तब अन्यथा नहीं। सजनों माइंड सेट के सत्संग से सत्संग हमको सदा के लिए पुरुषार्थी बनाती है और जीवन में प्रमाद आलस्यता को दूर भगाती है। किस प्रकार का सजनों सत्संग हो रहा था, सत्संग समापन हो जाता है, स्वामी जैसे महापुरुष विराजमान थे सिद्ध पुरुष, तीन लोग सत्संग में बस गए थे। स्वामी जी ने कहा भैया आप प्रस्थान नहीं हुए, क्या बात है? उन्हें कहा कुछ चाहिए? बोलो क्या चाहिए? एक ने कहा साहब 10 करोड़ रुपए और जीवन की सारी सुविधाएं। स्वामी जी का तथास्तु मिल जाएगा। स्वामी जी का आशीर्वाद कौन टाल सकता है? दूसरे का आप क्या सब जो अगले वाले को दिया भैया मेरे को चाहिए, तथास्तु मिल जाएगा। तीसरे का आप रुके के साथ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो रुके क्यों? उन्हें कहा मैं आलस्य नहीं, आलस्यवान नहीं, तो क्या चाहिए? उन्हें कहा मेरे को केवल इन दोनों का एड्रेस चाहिए, बाकी सबका मैं स्वयं खुद कर लूंगा। कहने का मतलब सत्संग हमको पुरुषार्थ की बनाती है, आलस्य का त्याग करने का नाम सत्संग है। एक छोटा सा पद।